नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बंटी जी को अभी सिखाने वाले हैं कि किस तरह से ट्रैफिक मार्केट एरिया में यू टर्न लेना चाहिए। अभी हम बंटी जी से चलवाए थे गाड़ी बिल्कुल ट्रैफिक एरिया में, तो इनको हम पूछे कि आप ट्रैफिक एरिया में चला लीजिएगा, तो पहले शुरुआत बोले थे हम चला लेंगे, यू टर्न कर लेंगे ट्रैफिक में, लेकिन जैसे ट्रैफिक रास्ते से बाइक गुजरे, ये वीडियो बनाए थे अभी, तो वो वीडियो नहीं देखे तो भाई इस आई बटन पे है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनको चलाने के बाद जब पूछे इसके एक्सपीरियंस, तो ये बोल रहे थे भाई काफी ज्यादा डर गया, फिलहाल आज तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो अभी बंटी जी को हम सिखाएंगे कि किस तरह से हम यू टर्न ले रहे हैं ट्रैफिक एरिया में, तो देख के काफी ज्यादा सीख जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बंटी जी से भी ट्राई करवाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी आप लोग भी सीखिए कि किस तरह से ट्रैफिक मार्केट एरिया में यू टर्न लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बंटी जी कैसे यू टर्न लेना है। सबसे पहले तो भाई सीट बेल्ट पहन लो, अभी पहन लो। चलिए देखिए, अभी हम यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए हम यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट में है, मतलब इधर से कौन अचानक से गाड़ी आ जा रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अचानक सामने आ रहा था हमको दिखाई दे रहा है, देखिए बस अचानक से आ गया। अभी हम सीधा ले जाते तो कोई बस हमें ठोक सकता था मेरे गाड़िया को, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे जैसे कि गाड़ी को कैसे निकालना है, सबसे पहले तो हाफ क्लच छोड़ेंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गाड़ी को हम निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए बंटी जी कैसे हम गाड़ी को यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए अचानक से कोई गाड़ी आया तो हमको पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे सबसे पहले क्लच दबाएंगे हम, फर्स्ट गियर डालेंगे और हल्का सा गाड़ी को हल्का हल्का बढ़ाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का, फिर रुक जाएंगे, फिर देखेंगे उधर हम देखते रहेंगे, ठीक है। देखिए अभी ब्रेज आ रहा है, फिर रुक जाएंगे हम, फिर हल्का हल्का बढ़ाएंगे हम, फिर देखेंगे अभी कोई गाड़ी नहीं, बस आ रहा, रुक जाएंगे, देखिए बस आ रहा था, ठीक है। स्टेयरिंग को तब तक हम धीरे धीरे बिल्कुल राइट की ओर मोड़ लेंगे इंडिकेटर देखे, फिर देखिए अब कार आ रहा है तो हल्का हल्का बढ़ाते रहेंगे हम, हल्का हल्का बढ़ाएंगे, हल्का हल्का बढ़ाएंगे, हाफ क्लच छोड़ रहे हैं, ठीक है। रेस्ट ले रहा है, जगह पड़ेगा तो रेस्ट लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। इस तरह से हम गाड़ी को सुरक्षित तरीके से गाड़ी को यहाँ से निकाल लिए, हो गया। अब देखिए कैसे यू टर्न हम लेते हैं, सीखिएगा देख के, ठीक है। देखने से भी काफी ज्यादा सीख जाइएगा, ये चीज तो याद रखिएगा। आगे यू टर्न है तो वहां से किस तरह से हम यू टर्न लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम साइड में मिरर देखते हुए राइट साइड का इंडिकेटर देंगे, ठीक है। हल्का हल्का राइट में अपना गाड़ी को निकाल लिया हम। अब यहाँ से आपको यू टर्न नहीं लेना है इस जगह से, ठीक है। ये वाला इस जगह से आप लीजिएगा क्योंकि ये चौराहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहता है, आपको पकड़ लेगा, तो आगे वाले टर्न से यू टर्न लेना है, ठीक है ना। हम लेफ्ट राइट साइड का इंडिकेटर दिए हुए हैं, हल्का हल्का क्लच छोड़ रहे हैं, यहाँ वाला मोड़ बिल्कुल इजीली है, ठीक है। आराम से देखिए इस तरह से सिर्फ आपको आगे ध्यान देना है, देखिए बाइक वाला गया, क्लच ब्रेक दबा दिया हम, फिर से क्लच छोड़ रहे हैं और हल्का हल्का रेस दबा रहे हैं, देखिए साइकिल वाला क्लच दबा के ब्रेक दबा दिए, आराम से हो गया यहाँ पे यू टर्न। ये वाला यू टर्न तो बिल्कुल ईजी है, चलिए अभी से टप टप वाला यू टर्न करके दिखाते हैं आपको हम। ये कार के पीछे कितना मस्त आराम से चल रहे हैं हम, कोई भी कार का लोगो जो है ना टच नहीं होना चाहिए, बम्पर टच हो जाएगा, लोगो टच नहीं होना चाहिए। देखिए लोगों से कितना दूर है अभी हम, देखिए यहाँ पे यू टर्न लेंगे, ठीक है ना। काफी ज्यादा भीड़ है और इधर भी गाड़ी है, इधर भी गाड़ी है, पूरा मार्केट एरिया भी है, यहाँ पे कैसे यू टर्न लेना है। तो सबसे पहले राइट इंडिकेटर देंगे हम, हल्का सा अपने कार को हो जाए, ज्यादा नहीं, हल्का सा पहले लेफ्ट लेंगे, हल्का सा, ऐसा भी नहीं कि इधर से कोई बाइक वाला घुस जाए। यहाँ तो टर्न है, यहाँ ले लेंगे, नहीं नहीं ये टर्न नहीं है, ये वाला जगह टर्न नहीं है, चलिए ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, इसी में कर लेते हैं। देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, हल्का सा पहले गाड़ी को रोक देंगे हम, स्कूटी वाला निकल ले देंगे भाई, वो निकलना चाह रहा है। अब देखिए हमारा गाड़ी निकल जाएगा आराम से, साइकिल वाला आ रहा है, देखिए अब यहाँ से पूरा हमारा कार का स्टीयरिंग जो है नहीं घूमेगा, ठीक है। क्या करेंगे रिवर्स गियर डालेंगे और पीछे की ओर देखेंगे इस तरह से, देखिए उधर टोटो है, सॉरी ऑटो वाला है, दोनों मिरर को देखते हुए हल्का हल्का बैक करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टीयरिंग को फिर से दोबारा कट कर लेंगे तो हमारा एक बार में अब निकल जाएगा। अब इधर देख रहे हैं कि गाड़ी नहीं आ रहा है, यहाँ से निकाल लिए, मतलब एक बार में ऐसी जगह पर नहीं होता, पतला जगह पर, ठीक है, आपको दो बार कट करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से लेते हैं, फिर हम इंडिकेटर दे दिए, हल्का सा राइट लगेंगे गाड़ी को हम, सॉरी लेफ्ट रखेंगे, बाइक वाले को पार होने देंगे, देखिए ऑटो आ रहा है, रुक जाएंगे हम, कार वाले पीछे हो रहा है भाई, अब यहाँ से कैसे निकाले, ठीक है।
टोटो भी रुका हुआ है, इससे पहले हम निकाल लेंगे, अदरवाइज निकल गया टोटो टोटो। देखिए हमारा गाड़ी आगे नहीं जाएगा, क्या करेंगे थोड़ा सा हम बैक कर लेंगे। बस आ रहा है, एक बाइक वाला आ रहा है, ठीक है। बस जैसे नज़दीक आएगा उससे पहले हमको हल्का बैक कर लेना है, फिर से हम स्टीयरिंग को फुल राइट और फिर से हम निकाल लिए, हो गया, समझ गए ना। डरना नहीं है, ऐसी जगह पर डरिएगा बिल्कुल, आपका गाड़ी बार बार बंद होगा। जितना बार आप डरिएगा ना वैसे वैसे आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, मतलब घबराहट से आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। क्यों होता है, सपोज लटकी पीछे से आगे से बहुत ज़्यादा आपका गाड़ी जो है हॉर्न दबाने लगा तो आप वहाँ पर डर जाएगा, तो आप जहाँ पे क्लच को कम छोड़ना चाहिए वहाँ पे आप क्लच को ज़्यादा छोड़ दीजिएगा, तो ऐसे आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे वाला लेते हैं, आगे वाला मोड़ में कैसे यू टर्न लेना है। आगे वाला मोड़ में लेंगे आप, हाँ ये बच्चा जाने देते हैं। यहाँ पे यू टर्न ले क्या पंडित जी? ले भीड़ नहीं है, भीड़ रहता तो मजा आता है। यहाँ वाला यू टर्न तो एक बार में आराम से हो जाएगा, अभी नहीं लेंगे, कार वाला आएगा तो ले सकते हैं, चल ले लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर दिया अचानक से हम अंदर डाले गाड़ी को हम, ठीक है। अब देखिए इधर एक कार वाला है, जितना घूम पाएगा घुमा लिए हम, इससे हाँ देखिए इशारा कर रहा घूमेगा, अब रुक जाएंगे थोड़ा सा, अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते हम, हल्का से पीछे करेंगे गाड़ी को पूरा लेफ्ट कटिंग करके, इधर देखेंगे पूरा बिल्कुल पीछे की ओर। अब यहाँ पे हमारा गाड़ी क्या है, बिल्कुल डाउन पे है, हल्का सा रेस लेंगे, देखिए बाइक वाला है तब तक आ गया। बाइक वाला पीछे बिल्कुल, देख रहे हैं सेंसर भी आवाज कर रहा है, देखिए अब जो है हम यहाँ से हम निकाल लिए। रुक जाएंगे पीछे बाइक है, देखिए पीछे बाइक। अब क्या करेंगे ना, हम यहीं से यू टर्न ले लेंगे, कितना उधर जाएंगे फिर से हमको घूमना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कैसे यू टर्न लेंगे, मान लीजिए ऐसे गाड़ी आपको घुमाना पड़ा अब फिर से नहीं लगा कि आपको हम रॉन्ग रोड पे चले आए, तो फिर से हमको उसी रोड पे जाना था, तो आप सोशल दोनों मीनर को देखिएगा और गाड़ी को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पीछे कीजिएगा, हल्का हल्का है, थोड़ा थोड़ा कदम आपको जैसे बढ़ता है ना वैसे वैसे पीछे कीजिएगा। पीछे हो गया, पीछे ट्रैक्टर है, अब इतना यहाँ से हम गाड़ी को अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम फिर से इंडिकेटर देंगे राइट साइड वाला और यही से हम स्टेयरिंग को पूरा राइट कटिंग कर लिए। अब देखिए हल्का हल्का अंदर गाड़ी को हम डालते जाएंगे, अदरवाइज ऐसे रुक के रहेंगे ना तो हमारा टाइम ही नहीं मिलेगा फिर निकालने का। देखिए बाइक वाला रुक गया, देखिए ब्रेक दबा दिए, जैसे ही जगह मिलेगा आपको तुरंत निकाल लेना गाड़ी को, फिर से हमको स्टीयरिंग कॉल कर हल्का सा पीछे से डाउन मारेंगे फिर चल जाएगा। वैन वाला आगे बढ़ गया, देखिए निकाल लिए ना, हो गया, हो जाएगा आपसे अब पक्का। और देखा है क्या एक दो पॉइंट, ज्यादा भीड़ मिलेगा तभी दिखाएंगे, ठीक है, अदरवाइज वीडियो को क्लोज करेंगे। यहाँ पे जगह है, जगह है, यहाँ पे लेता है ये बटन, सॉरी यहाँ पे तो आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हो गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।